जिंदा है, जिंदा है साहब, जिंदा है, हर दौर में देखो जिंदा है। बहुत शुक्रिया, आज बड़ा देख के बड़ी खुशी हो रही है कि जो सहाफ़ी हैं तमाम चैनल से उनका ताल्लुक है, उनकी ओपिनियन भी मुल्की मामलात पर मुख्तलिफ है, बिल्कुल वाजे है, लेकिन सहाफ़ियों के मकसद के लिए वो सब इकट्ठे हुए और यही यूनिटी हमें चाहिए। इस वक्त मेरे दोस्त जो सब उन्होंने सूरत हाल बयान की है, अरशद शरीफ के कातिल दंदनाते फिर रहे हैं, उसके बाद अमाद यूसुफ जो डायरेक्टर न्यूज है ARY के, और दूसरे जो हमारे सहाफी दोस्त हैं उन पर पर्चे, इमरान रियाज पर पर्चे, खुश पर पर्चे, साबिर शाकिर मुल्क से बाहर है, डॉक्टर मुईद यूसुफ यहां से भागने पर मजबूर हो गए, और डॉक्टर मुईद पीरजादा। तो ये जो सारे हालात, जैसे खाबर गुमन ने कहा, किसने तंग किए कि ये लोग यहां से भागने पर मजबूर हुए और अरशद शरीफ के लिए जिंदगी तंग की गई, और फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो उनके वर्सा जिस जो FIR दर्ज करवाना चाहते थे वो भी FIR दर्ज नहीं हुई, और पुलिस की मुदैयत में, और जिन पर हमें शक है, यानी ये वो हुकूमत है जिसने तंग किए थे उसके ऊपर यहां पर मामला, वो कैसे ये कह सकती है कि उनकी वो तहकीकात ये जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं वो ये कर सकते हैं। तो ये हमारा मुतालबा है कि शफाफ तहकीकात उनके खानदान की बिल्कुल तसल्ली के मुताबिक, और फिर जो कैमरा एक्ट है उसको वापस लिया जाए, उसकी तरामीम को, उसमें उसके अंदर शिकें जो शामिल की गई हैं उनका सिर्फ एक मकसद है कि मालकान को दबाया जाए, सहाफियों को दबाया जाए, लेकिन सहाफी आज सब इकट्ठे हैं, खड़े हैं, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये इतिहाद आपको 30 तारीख को भी नजर आएगा। आगे जो अफजल भट्ट साहब हमारे कायद जो प्रोग्राम जो देंगे जिस तरीके से, उसी पर हम सब अमल करेंगे, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान देखेगा, सहाफी निकलेंगे, फुकला निकलेंगे, मजदूर निकलेंगे, हर तबका फिक्र के पास हम जाएंगे, सोसाइटी के हर सेगमेंट के पास जाएंगे, और ये बताएंगे कि यहां पर आप आवाजों को दबा नहीं सकते, इसलिए कि पाकिस्तान का आईन और कानून इस बात की इजाजत देता है। शुक्रिया। ये थोड़ा सा अगर और लाइन पीछे करेंगे ना, सबके लिए आसानी हो जाएगी। हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, 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 गैर कानूनी ज़ाब्ते हम नहीं मानते, गैर कानूनी ज़ाब्ते हम नहीं मानते, गैर कानूनी ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जबर के आगे जिंदा है, जेलों में जाके जिंदा है, कोड़े भी खाके जिंदा है, इस मुल्क की खातिर जिंदा है, आईन की खातिर जिंदा है, अपने हक की खातिर जिंदा है, कायन ने देखा जिंदा है, अय्यूब ने देखा जिंदा है, चरकू ने देखा जिंदा है, अब तुम भी देखो जिंदा है, जरा प्यार से बोलो जिंदा है, जरा प्यार से बोलो जिंदा है, जिंदा है, इस मुल्क की खातिर जिंदा है।